ये देखो दोस्तों, ये है मेरा एक नींबू का पौधा जिसको मैंने छत पे इस बड़े से गमले में बोया हुआ है। ये 22 इंची का बड़ा सा गमला है, लेकिन अभी इस नींबू के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। और आपके पास भी हो सकता है ऐसा ही कोई पौधा हो जिसकी ग्रोथ ना हो रही हो, तो इसके पीछे का कारण है क्या है, इस वीडियो में हम उस कारण के पीछे डिस्कस करेंगे और उस कारण को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इस नींबू के पौधे में यहाँ बीच बीच में सब कुछ बड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है, बड़े कम एरिया में बहुत सारे पत्ते उग रहे हैं, यही है इसका कारण। इसकी वजह से होता क्या है कि सूरज की मात्रा प्रॉपर अंदर नहीं जा पाती, सूरज की रोशनी की मात्रा, और बीच में फंगल बन जाता है बैक्टीरिया, जिस उस फंगल की वजह से बैक्टीरिया जो होता है इसको बढ़ने से रोकता है, और धीरे धीरे ये कभी कभार जल भी जाता है। देखो जैसे ये डंडियां जल रही हैं, कुछ ये जली पड़ी, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की सारी डंडियां जल जाती हैं। मैंने पिछले दिनों ध्यान नहीं दिया इस टॉपिक पे, और इस वजह से इसका भी यही हाल हो गया। तो आज हम इसको बीच में से छटाई कटाई कर देते हैं। उस छटाई कटाई के बाद ये प्रॉपर ग्रोथ करेगा। सबसे पहले मैं वो डंडियां काटूंगा जिनकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं। इस टहनी को हम पूरा ही काट देते हैं। ये पूरी जल चुकी थी तो इसको पूरी को ही अलग कर दिया मैंने। तो देखो हमने किस तरीके से काफी ज्यादा मात्रा में डंडियों को काट दिया है। अब होगा क्या कि अच्छी मात्रा में धूप मिलने की वजह से पौधा इन मेन ब्रांचेस पे ध्यान देगा और इन्हें बढ़ाने पे ध्यान लगाएगा, ना कि उस पूरे के पूरे झुंड पे ध्यान लगाएगा जो पहले हो रहा था। तो देखो हमने काफी मात्रा में इसकी मेन ब्रांचेस को छोड़ के ज्यादातर डंडियों को काट दिया। तो इस प्रकार से आपका भी कोई नींबू का पौधा है तो उसको काट छांट दे, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर आप डरोगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको काटना जरूरी है। तो मिलते हैं किसी अगले ही ऐसे किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।